गो। भेज दो उसे बाहर, छोड़ दो नीचे। भैया को बुला के लाओ, बोलो काओ दिखाऊंगी भैया। जाओ मायरा, भैया को बुला के लाओ। समायरा ओ दादी, ना सुन रही? मायरा मायरा, भैया नहीं है, मैंने तेरा वो नहीं दे रही, मेहंदी ले रही बस। मेरी वाली बुरी तो नहीं लगी? नहीं सही है दोनों के। देखा, मुझे तो तेरी वाली अच्छी लग रही है। बस तो एक दूसरे की देखते रहो दोनों। एक दूसरे की बड़ाई का कोई करण करे? सही में वहां ज्यादा बोल रही थी, मुझे तो गुस्सा आता था उस पे। उसके पास तो मैं जाऊंगी भी नहीं दोबारा, सी गली में दिखाऊंगी ठीक है। सबने। हम पे गुस्सा, हम पे कुछ आता, मुंह पे कह रही तो पीछे तो कह मत, किसी और घर जाके जैसा ना हम तो कह रही हूँ। 8 बजे निकलना है हमें। और मेरे बार पर लापरवाही नहीं करनी, समझ गई ना? मतलब 8 बजे निकलना था। ओके वो बात अलग है। अब आप देखना 9 बजे हम अकेले आपने जाएंगे, लेट कर तो दिया। जल्दी जल्दी कर दो थोड़ा, क्योंकि 9 बजे अकेले भी नहीं जा पाएंगे। अब मेरी मम्मी को पूछा वो दिनों कह रही मैं तो गिलना को गिननी है वो आ गई और तेरा ही कर दे दिया था, बस नोटा ना कर अपना दे। नहीं बस कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया जाता है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्राध्याय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा, एक साहूकार के साथ लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहू और बेटियों ने करवा का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन ढीम लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कारण को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसको अपने किए हुए दोषों का पता चला तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसने श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवनदान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का था और लड़की की बहू थी। वो बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तुझाए जो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र बहू से पूछा तो बेटा बोला क्यों धन मांग ले। बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रही है। उस बुढ़िया के पड़ोसी ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बहू बेटा और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी की वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया मां तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया है वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान
परेशान हो गए। हे गणेश जी, जैसे भी हम आपकी मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी अपनी कृपा देना। करवा चौथ उजमन, उजमन करने के लिए थाली में तेल है, जगह चार चार पूरी और थोड़ा सा सीरा रख ले, उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज और रुपये जितना चाहे रखना। उस थाली के चारों ओर लोरी चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पांव लगाकर उन्हें दे देवे। उसके बाद तेरे ब्राह्मणों को भोजन करावे और दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगाकर उन्हें विदा कर। दीदी क्या कर रही है, मम्मा क्या कर रही है, अभी पैर छू के जाओ मम्मा के, जाओ पैर छू के जाओ। चलो मम्मी पैर छुआ ऐसे मेरे तरफ मुंह करो। ओ ये थोड़ा सा बच हो गया, बराबर बचा लिया बस। इधर को देख, मान जा। करवा चौथ का दिन है आज हमारा। ये बनाएंगे हम पकौड़े, ये कचौरी, ये हलवा मम्मी ने बनाया है। ये बन गई सब्जी और ये गुड्डू लगा रहा है मम्मा के साथ आटा। और ये लड्डू पहलवान, लड्डू पहलवान डांस करके दिखाओ। दूध आ गया, दूध आ गया, दूध आ गया। वीडियो के चक्कर में दूध निकल गया। मैंने मेरे करूं, मेरा मन आलस आलस होए। घर गए ना, जंकी वीडियो पड़ी है यार, करने को बड़ा बड़ा मंगवा ले। मैं सच्ची में ऐसा हो ना तो बाहर जाके खाओ, व्रत खोलो और शाम को चल दो बैठ के। बस ऐसा होना चाहिए, सारे दिन के बुड्ढू को भेज दे करूं बाहर जा। क्या और बेटा चल जाओगे आप? लगते बैठ जा। ले लो खाओ कचौरी, टेस्टी टेस्टी, एंजॉय, हैप्पी करवा चौथ, लगे रहो सुबह से किचन में। जूम भी करती गई ना तुम, जूम भी कर दिया ना तुम। फोटो ना खींच रही, मैं फोटो बाद में खींचूंगी, पहले वीडियो बनाऊं थोड़ी सी। थोड़ा सा देखो, मैं नीचे फेंक देती पानी। क्यों, नीचे कोई है थोड़ी।
ऊपर को तो उठाओ वो लगा एक बूंद पानी मत देख लो अब भाई हिसाब से बेटे बूटी पीना बेटे ज्यादा हमारा ना कर दिया ज्यादा गिर जाओ मतलब होगा पैर छू यार रखो पल से यार आज आके कर दो पूरी साल ना खत्म करूंगी चलो उतारो आरती सीधी घुमा वो रहता है उल्टा हाथ खड़े करो यूं ही तो है सीधा घुमा जैसे घुमा दिया घुमा घुमा मुंह मत देख अरे गुड्डू इधर आ गुड्डू आगे पोहा खाया कुछ और भी अच्छे बात है पूरे लिए ये थाली लगे तो ऊपर लगा के दोया थाली मैं बैठी हूं जब तक पति गया होगा गले लगा लगा दोबारा बिठा रहे हैं गले लगा गले गले लगा गले ऐसे अपनी वीडियो देखिए तो फोटोग्राफर तो हम छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ मेरे हाथ काम की नहीं होती माय ना हां चल गो मां बेटा यहां नहीं आओ यहां आओ यहां पहले चंद्रमा देख बाद में पूछ लो पानी मत लाओ किसी दे ना दियो बाद में तरफ हो जाएगा कौन ना पूजा करने के बाद जल्दी हो भी ना दिया तो बुझा भी दिया क्या आपने ना बेटा डायपर पहन रखा है आपने मैं थाली ले लो इधर अगो दिया मम्मा के जय जय करो जय 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 माई जय जय नाई चलो बच्चो मम्मा कर दिया बच्चो हो गई आ जाओ नो 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 माला पता लगा लूंगी जो कह रही है तो कह रही है 3 साल तक व्रत नहीं रखनी तो गिंदा कैसे है पैसे लेंगे